हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कनक्स कुक हाउस। आई होप आप सब घर पे हैं और सेफ हैं। आज हम बनाएंगे लज़ानिया, वो भी पैन में और बिना एग के। तो चलिए बनाते हैं। पहले हम लज़ानिया की शीट्स बनाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक कटोरी मैदा लिया है। उसमें हम अपने हिसाब से नमक डाल देंगे और एक टेबलस्पून ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको पानी डाल के अच्छे से मार लेंगे। ये देखिए, हमारा आटा एकदम तैयार हो चुका है। अब हम इसको चार पार्ट में डिवाइड करके 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। इन्हें रखे हुए 20 मिनट हो गए हैं। चलो अब हम देख लेते हैं। ये देखिए, 20 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। अब हम इन्हें थिन राउंड शीट्स में बेल लेंगे। आज हम ये वाला पैन यूज़ कर रहे हैं, तो इसके साइज़ की बेलेंगे। तो चलिए बेलते हैं ताकि ये चिपके ना। तो आपको मैदा चाहिएगा, तो आप मैदा हल्का सा अपने लगा लीजिए और इसको अच्छे से थिन राउंड शीट्स में बेल लीजिए। ये देखिए, हमने यहाँ पे ये चार शीट्स बेल ली हैं और अब हम इसको जो माइक्रोवेव की रैक होती है उस पर भी रख सकते हैं या फिर पेपर पे रख सकते हैं। 30 मिनट के लिए हम इनको रख देंगे। तब तक ये थोड़ी और ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाएंगी और इनको रखे रखेंगे 30 मिनट बाद हम अपना वो बनाएंगे। इतने हम इनकी वेजीज फ्राई कर लेते हैं। हम एक पैन में थोड़ा सा तेल डाल लेंगे, उसको गर्म होने देंगे। उसके बाद हम उसमें लहसुन काट के डाल लेंगे। ये मैंने एक लहसुन यूज़ किया है और इसमें हम ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल लेंगे। तब तक कि इसका अच्छा फ्लेवर नहीं आ जाता, तब तक हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, उसको फाइनली चॉप कर लिया है। थोड़ा सा पनीर लिया है, उसको भी बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है। थोड़े से स्वीट कॉर्न है और एक आलू लिया है, उसको भी अच्छे से चॉप कर लिया है। और अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से कोई सी भी वेजीज डाल सकते हैं। शिमला मिर्च हो गई, बीन्स हो गई, जो आप चाहते हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं। और रही बात आलू की, आप इसको ढक के रखेंगे तो वो अपने आप गल जाएगा थोड़ी देर में। हम इसमें मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा अपने स्वाद अनुसार नमक ले लीजिए, मिर्च ले लीजिए, इसको अच्छे से मिक्स करिए। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दीजिएगा इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर ढक के पकाएंगे। पाँच दस मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहना। 15-20 मिनट हो गए हैं इसको रखे हुए। ये एकदम रेडी हो गई है। एकदम लो फ्लेम पे करिएगा। और यहाँ पे हमारी शीट्स भी एकदम तैयार हो गई हैं, तो अब इसकी लेयरिंग करते हैं। चलो, यहाँ पे हमने वाइट सॉस ली है और पिज्ज़ा सॉस ली है। वाइट सॉस की वीडियो आपको मेरे क्रीमी कपन आईडी वाले वीडियो पे मिल जाएगी, आई बटन पे आ रही होगी। और अगर आप चाहते हैं मैं पिज़्ज़ा सॉस की भी वीडियो बनाऊं तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो पहले हम अपने पैन में अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस डाल लेंगे। इसके बाद हम अपनी शीट रखेंगे इसके ऊपर। व्हाइट सॉस, पिज्जा सॉस,
आप चाहे तो रेक्टेंगल शेप में भी काट सकते हैं शीट्स को, जैसे बाहर मिलती हैं। और इसके बाद हम, मैं यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो प्रोसेस चीज़ कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। हम इस पे चीज़ डालेंगे अच्छे से। इसके बाद हम अपनी वेजीज डालेंगे इसके ऊपर। आप हर एक उस शीट्स को ऐसी लेयर कर लीजिए। लास्ट वाली पे भी हम ऐसे ही करेंगे। थोड़ी सी चीज डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे, अभी डाल दीजिए। और फिर थोड़ी सी वेजीज डालनी है आपको लास्ट वाली लेयरिंग पर। और चीज और डाल दीजिए अभी ऊपर से। हमारे लज़ानिया पकने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए अब हम इसको लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए पकाएंगे। लो फ्लेम पे रखिएगा। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको ऊपर से ऐसे एक बार चला लेंगे। ये देखिए हमारी चीज़ पिघल गई है। वैसे अगर आप इसको ढक के पकाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसको ढक के पकाना ज़्यादा प्रेफर करूँगी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाने के लिए छोड़ दें। 20 मिनट हो गए हैं ऐसे होते हुए और देखिए बिल्कुल पक चुका है। आइए इसे काट के देखते हैं। चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ इसको कट करने के लिए। ये देखिए हमारा लज़ानिया बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। आप भी बनाइए और खाइए और सबको खिलाइए। अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन करना ना भूलें। मेरी आईडी इधर आ रही होगी तो मुझे मेंशन ज़रूर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई नई रेसिपी ट्राई करूं तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं या फिर आप कमेंट करिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।